मम्मा मुझे इंग्लिश, तेलुगु, गढ़वाली, हिंदी ये सब आती है, पर तमिल तो बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे लगा कि चलो लैंग्वेज ढूंढी जाए, कहाँ से आई हैं भाषाएं, कहाँ से आई हैं। एंड मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अद्भुत लगा। तो मैं आप लोगों के साथ अब ये स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी ऑफ बेबल, टावर ऑफ बेबल। परमेश्वर ने एक इंसान से सृष्टि शुरू की। पूरी सृष्टि एक ही भाषा में बात करती थी और एक ही तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती थी। दुनिया हम देखते हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान जो परमेश्वर ने बनाया वो एक छोटा सा इंसान था। तो प्रभु ने उसे क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें सारी आशीषें देता हूँ, अब तुम क्या करो, फलो फूलो और क्या करो, दुनिया में फैल जाओ, है ना, और पूरी दुनिया को एंजॉय करो, है ना। हुआ है कि उन सबों ने ईस्ट की तरफ को अपनी जर्नी शुरू की और वहाँ पे उन्हें नार नाम की एक जगह मिली और उन्होंने वहाँ पे क्या करा देखा, वो सब वहाँ पे सेटल हो गए। अब उन्होंने एक दूसरे से कहा कि चलो हम ईंट और ईंट और तार से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। जो लोगों ने मिल के क्या प्लान किया, हम एक इतना ऊंचा टावर बनाएंगे कि जो ऑलमोस्ट स्वर्ग तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत कारीगर हैं, हम बहुत कुशल हैं, है ना, हम बहुत कुशल हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं। जो भी हैं उनके अंदर एक चीज़ का, उस चीज़ का प्राउड था और उन्होंने एक क्या करा, टावर बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने टावर का प्राउड भी बहुत ऊंचा होने लग गया, उन्हें लगा कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और परमेश्वर सच में, जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर के आते हैं और देखते हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जो स्वर्ग की तरफ को जा रही है, जबकि मैंने इन्हें क्या, खूबसूरत सी धरती मैंने इनके लिए बना के दी है और ये उसमें फैलने के बजाय ऊपर की तरफ को बढ़ते चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि चलो चल के क्या करते हैं, इनको लैंग्वेजेस से कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, भाषाओं में इनको खो देते हैं। परमेश्वर की एक आंधी आती है, एक तूफान आता है और क्या होता है, उसके बाद में सारे लोग अलग अलग भाषाएं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलने लग जाते हैं। अब जो कमांडर है उसको मजदूर की भाषा समझ में नहीं आ रही, जो राजा है उसको सैनिकों की भाषा समझ में नहीं आ रही, जो जो पड़ोसी है, जो काम कर रहा है उसको किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही। तो क्या हुआ, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, है ना, एक गड़बड़ हो गई। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे। उस जगह का नाम बेबल पड़ गया, बेबल मतलब भाषाओं की कन्फ्यूजन था, वहीं छूट गया। एक बिल्डिंग जो सारे लोग मिलके बना रहे थे, इमेजिन कीजिए कि हजारों लाखों लोग मिलके एक बिल्डिंग बना रहे हो जहां पे सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन अब वो हजारों लोगों में ऑलमोस्ट हजार तरीके की लैंग्वेज आ गई, है ना। तो अब उन लोगों को अपनी आपस में बातें ही समझ में नहीं आ रही है, अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, हमें कहा क्या जा रहा है। सब छोड़ छाड़ के लोग क्या हुए, अपने अपने जैसी बोलने वाली भाषाओं के साथ इकट्ठे हो गए और सारे लोग इधर उधर फैल गए, है ना। सारे लोग ऑलमोस्ट धरती के कोने कोने पे, जिसको जो जिस जिस हिसाब से भाषाएं बोलता है उस हिसाब से भाषाएं बोलने वाले लोग सारे इकट्ठे होके अलग अलग कोनों में सबने अपने अपने लिए जगह चुन ली। तो दोस्तों आज की स्टोरी थी टावर ऑफ बेबल, बेबल का टावर। तो परमेश्वर हमसे जब परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें जिस लिए बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है, हम उस मकसद की ओर देखें, हम परमेश्वर की महिमा करें अपने अंदर। कभी भी हमें प्राउड नहीं लाना है। हियर मी अगेन फॉर इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टोरीज। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।